अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो हम लोग काम करने वाले हैं वो हम लोग कुछ ये करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को अपर केस में लेके जाएंगे और लोअर केस में लेके आएंगे, है ना। मतलब बड़ी ए बी सी डी और छोटी बी सी डी, छोटी सी वीडियो है ये, पूरी देखिएगा, उम्मीद आपको पसंद आएगी। सही, तो उसमें करना क्या है, मेरे को नेम लेना है, सही ना। एक से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे एरिया के ऊपर काम करता हूँ। लिखा नेम या जो भी है, चार मैंने यहाँ लिखा एरे, उसका नेम आ गया। सही, इसको 50 से मैं 50 पार्टीशन कर दिए मैंने, ये आ गया। मैंने लिखा गेट्स, आपके लिए वही फंक काम करता है जो स्कैनएफ करता है। गेट्स यहाँ लगा के मैंने लिखा ARR। सही, इसी को मैंने पुट्स में रख के प्रिंट का काम करता है पुट्स आपके पास। सही, गेट्स एरे पुट्स में आया, यहाँ पे मैंने लिखा STR, यानी स्ट्रिंग का जो फंक्शन है UPR, यानी अपर स्ट्रिंग का फंक्शन है स्ट्रिंग अपर। यहाँ पे आके मैंने ARR को कॉल करा दिया। सही, कंट्रोल एस F11। यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ अपना मिसाल के तौर पे। सही, मैंने जो टेक्स्ट लिखा था इसने उसको अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया है। अच्छा, ऊपर एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं। सही, या या अपर हो गया। अगर लोअर में मुझे रखना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा ये चीज देख लेगा, मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग की एक लाइब्रेरी ऐड की है ना। अच्छा, स्ट्रिंग अपर है, इसको मैं लोअर अगर करना LWR, या F11। सही, अब अगर मैं बड़ी फैसिलिटी में लिख रहा हूँ अफहान, या सही नजर आ गया होगा आप लोगों को। काम मैंने क्या किया इसके अंदर, अच्छा ये दो फंक्शन में बता दो, उतना वो नहीं है। गेट्स जो हम लोग यूज करते हैं वो स्कैनएफ की तरह यूज करते हैं। फंक्शन सही, और जो हम लोग ये पुट्स को यूज करते हैं, पुट्स को जो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट की तरह यूज करते हैं, प्रिंट टाइप की तरह। सही, इसको भी यहां लिख देते हैं लाइव प्रिंट एफ। सही, या पुट्स जो है आपके पास प्रिंट एफ की तरह यूज कर सकते हैं, और गेट्स जो है, अच्छा गेट का मतलब है ले लो और एस का मतलब है स्ट्रिंग। सही, गेट का मतलब जो है ले लो और एस का मतलब है स्ट्रिंग। इस तरीके से अगर आपको कोई करेक्टर वगैरह लेना है तो उसके लिए आप गेट CH भी लगा सकते थे। तो आगे की क्लासेस में या वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।